अमेंडमेंट के बाद थोड़ी सी ऑटोनॉमी संघों को दी गई और एक ऑप्शन दी गई कि आप अगर खुद चाहें तो ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है एसआरबी ने इनिशिएटिव लिया, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, उसके बाद पंजाब ने लिया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से एक इदारा उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से ये इदारा एपी फाइनेंस एक्ट है उसके एक सेक्शन में तमाम पब्लिक सेक्टर इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए या सूबाई गवर्नमेंट के लिए वो पाबंद हैं इसके इदारे के साथ सेंटेंस कलेक्शन में दाखिल करने के पाबंद हैं और अकाउंटिंग के लिए भी आप इसलिए पाबंद हैं कि केपीआरए जो ये टैक्स केपीआरए का नहीं है, केपीआरए जो है कलेक्टिव एजेंसी है, ये तमाम जितनी भी कलेक्शन होती है ये सूबाई हुकूमत के अगर आपको मालूम हो प्रोविंशियल कंसोलिडेट फंड में जाती है तो प्रोविंशियल कंसोलिडेट फंड में केपीआरए खुद जमा नहीं कर सकता, वो अकाउंटिंग ऑफिस के जरिए जाती है। अगर एजी कलेक्शन एजी के पास कलेक्शन आती है वो भी बैंकिंग चैनल स्टेट बैंक के साथ जो भी एग्रीमेंट है उसके मुताबिक पेंशन कंसोलिडेट फंड में जाती है। एक दूसरे का साथ भाइयों की तरफ कोऑपरेट करें।